जैसे में आप लोगों की पता है कि बिहार बोर्ड से जो भी छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा 2022 एवं 23 में देंगे उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि मैट्रिक एवं इंटर की छात्र एवं छात्राओं की बात करें जो 2022 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है 15 जुलाई तक जारी किया गया था। जो भी छात्र एवं छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने से वंचित हो गए थे उनके लिए जो है एक और मौका जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था 15 जुलाई तक। इस डेट को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, अब जो 25 जुलाई तक जो है इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। और जो भी छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे अभी जो फिलहाल में 9वीं क्लास में जो है वे पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, उनका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे मैट्रिक का बिहार बोर्ड से। तो इस वीडियो में आप लोग की स्टेप बाई स्टेप जो है मैट्रिक एवं इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करके बताने वाला हूँ ताकि जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिजेक्ट से हो या इंटर से हो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सेम टू सेम जो है आप लोगों को नाम पता सारा का सारा जो है फिलअप करना है मैट्रिक में भी और इंटर में भी। इसमें चेंज ये किया गया है कि मैट्रिक में जो है अलग सब्जेक्ट है और इंटर में जो है अलग सब्जेक्ट है। आर्ट और साइंस कॉमर्स का जो है इंटर में अलग अलग सब्जेक्ट है और मैट्रिक में अलग सब्जेक्ट है। सिर्फ जो इसमें सब्जेक्ट ही चेंज किया गया है वो भी मैं आप लोग को इंटर का लास्ट में जो है आप लोग को सब्जेक्ट में बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये है फॉर द सेकेंडरी एग्जाम 2023 यानी कि जो भी मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो अभी फिलहाल में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। ये फॉर्म जो है आप लोगों की कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और ये फॉर्म जो है आप लोगों की स्कूल कॉलेज वाले डाउनलोड करके आप लोगों को देंगे यहाँ पर सिग्नेचर करके आप लोगों को इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके अच्छी तरीके से अपना स्कूल कॉलेज में जमा करा देना है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में जो है इस फॉर्म को फिलअप करना है आप लोगों की इंग्लिश मीडियम में कैपिटल लेटर में यानी कि ABCD के बड़े अक्षर में जो है ये फॉर्म को आप लोगों की फिलअप करना है, हिंदी में इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आप लोगों की एक पासपोर्ट साइज कलर वाला जो है आप लोगों को फोटो इसमें जो है आप लोगों को चिपकाना होगा। उसके बाद जो है इस बॉक्स में आप लोगों की अपना सिग्नेचर जो है करना होगा यानी कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद जो आप लोग को यहाँ पर कैटेगरी जो है फर्स्ट नंबर में सेलेक्ट करना है आप लोग रेगुलर से है या प्राइवेट से है। यहाँ पर आप लोग अगर रेगुलर से है तो यहाँ पर टिक कर देना है, अगर आप प्राइवेट से है तो इसमें टिक कर देना है। मैक्सिमम जो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर रेगुलर से होंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को रेगुलर पर ही टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल कोड जो है 5 डिजिट का आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। अपना स्कूल का कोड 5 डिजिट का होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग अपने स्कूल कॉलेज से पता कर सकते हैं अपना स्कूल कोड। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को स्कूल नेम जो यहाँ पर फिलअप कर देना है आप लोग को यहाँ पर अंग्रेजी का बड़े अक्षर में। उसके बाद जो यहाँ पर अपना नाम जो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है इंग्लिश में आप लोग को बड़े अक्षर में। उसके बाद जो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो यहाँ पर आप लोग को हिंदी में डाल देना है इस बॉक्स में, यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट नेम लिखना है। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर मदर्स का नाम जो है इस बॉक्स में इंग्लिश में फिलअप कर देना है और यहाँ पर हिंदी में जो है आप लोग को मदर्स का नाम जो है माता का नाम इसमें। पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ करो ना आउट, बस अपने सवाल का फोटो खींचो करो करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का हो, CBSE UP महाराष्ट्र या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बारहवीं IIT JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डॉट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें हिंदी में फिलअप कर देना है। और 7 नंबर में जो है यहाँ पर आप लोगों की फादर्स का नाम इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में फादर्स का नाम डालना है, हिंदी इंग्लिश दोनों। उसके बाद जो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है स्टूडेंट का इस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है 9 नंबर में जेंडर सेलेक्ट करना है, आप लोग मेल है तो इस पर टिक कीजिए, अगर लड़का है तो इस पर, अगर आप लड़की है तो यहाँ पर इस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांसजेंडर है तो इस पर टिक कर सकते हैं। 10 नंबर में जो आप लोग को नेशनलिटी दिया गया है तो आप लोग इंडियन है तो इस पर टिक कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग इंडियन ही है तो यहाँ पर आप लोग टिक कर दीजिए, अगर आप अदर से तो यहाँ पर इस पर आप टिक कर सकते हैं। 11 नंबर में जो आप लोग को कास्ट कैटेगरी जो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आप लोग यहाँ पर जनरल से तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप EBC है तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप BC एवं SC है तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप ST है तो इस पर टिक कीजिए। यहाँ पर जो भी आप लोग का कैटेगरी यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है डिफरेंटली अपलेट में जो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग अगर विकलांग है तो यहाँ पर यस करना है, अगर आप लोग विकलांग नहीं है तो नो कर देना है। 13 नंबर में जो यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोग रिलीजन जो यहाँ पर
आप लोग हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या जैन है, आप लोग जो भी यहाँ पर आप लोग अपना टिक कर दीजिएगा। अगर आप हिंदू है तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप मुस्लिम है तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप सिख है तो इस पर, अगर आप जैन है तो इस पर, अगर आप बौद्ध है तो इस पर, जो भी यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है 14 नंबर में एरिया जो है आप लोग को टिक करना है, आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन। रूरल हो गया ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन हो गया शहरी क्षेत्र। 15 नंबर में जो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आपका शादी हो गया है तो इस पर टिक करना है, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो इस पर, अनमैरिड पर जो आप लोग को टिक करना है इस पर। उसके बाद जो आप लोग जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 16 नंबर में आप लोग को मोबाइल नंबर भरना कंपल्सरी है। किसी भी हर हाल में जो आप लोग को मोबाइल नंबर भर देना, ताकि आप लोग का मोबाइल नंबर पर मैसेज ही मिलता रहेगा। उसके बाद जो है 17 नंबर में आप लोग को आधार नंबर जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। 18 नंबर में अपना ईमेल आईडी कंपल्सरी जो है, देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी जो है कंपल्सरी दिया गया, यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी। उसके बाद 19 नंबर में जो है अपना फुल एड्रेस जो इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना एरिया का यहाँ पर पिन कोड जो यहाँ पर डाल देना है, जो भी आप लोगों का 6 डिजिट का पिन कोड होगा इसमें जो है आप लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर में जो है बैंक अकाउंट नंबर जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद आप लोग को पासबुक पर देखने को मिल जाएगा, IFSC कोड इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोगों की बैंक का नाम क्या है इसमें जो आप लोग को फिलअप कर देना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसमें लिख देना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो इसमें आप जो है आप लोग को जो है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी कि अगर आप लोग का शरीर में कहीं कट फट का चिन्ह है तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अगर आपका दो जगह पर है तो आप इसमें भी फिलअप कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है आप लोग दो दे सकते हैं। उसके बाद 24 नंबर में जो है आप लोग को सब्जेक्ट जो है अपना चूज करना है, आप लोग को कौन कौन से जो है अपना सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम छात्र एवं छात्राओं ने जो यहाँ पर ज़्यादा करके यहाँ पर हिंदी एवं संस्कृत एवं मैथ एवं साइंस एवं सोशल साइंस एवं इंग्लिश ही रखते हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट। आप लोग का जो भी सब्जेक्ट रखना है यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर जो है आप लोग को ये जो है आप लोग को एडिशनल सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो इसमें जो आप लोग टिक कर सकते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग छोड़ देंगे इस बॉक्स को। उसके बाद आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना हिंदी में सिग्नेचर करना है, यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर अपना गार्जियन से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। बाद यहाँ पर अपना प्रिंसिपल से जो है सिग्नेचर करवा कर अपना स्कूल कॉलेज में जमा कर देना है। मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, इसी प्रकार से जो है आप लोग को इंटर में भी देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को इंटर का भी थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग की मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करके मैं दिखाऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इंटरमीडिएट का है, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में जो भी छात्र एवं छात्राओं ने एग्जाम देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फैकल्टी जो यहाँ पर कॉमर्स का है, यहाँ पर आप लोग को आर्ट साइंस कॉमर्स यानी कि तीनों संकाय का एक ही जो आप लोग को फॉर्म देखने को मिलेगा। सेम टू सेम जो है आप लोग को यही फॉर्म जो आप लोग को फिलअप करना होगा। थोड़ा बहुत जो है आप लोग को चेंज जो है देखने को मिलेगा सिर्फ जो यहाँ पर सब्जेक्ट में, सारा का सारा जो है सिस्टम उसी प्रकार से जैसे मैं आप लोग को मैट्रिक का फॉर्म फिलअप करके बताया हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इसमें चेंज कर दिया गया है। आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर आप लोग का रख लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट डिटेल जो यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो आप लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना यहाँ पर कंपल्सरी, यहाँ पर देख सकते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स, यहाँ पर देख सकते सब सब जो है बताया गया है। तो यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ से जो आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का जो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट से यह फायदा होता है कि जो भी आप लोग 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, अगर 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, अगर आप लोग का एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास है तो आपका फेल वाले सब्जेक्ट को जो यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि फेल वाले सब्जेक्ट के जगह पर जो आप लोग का एडिशनल सब्जेक्ट का जो है आप लोग को रख दिया जाएगा, यानी कि इसका मार्क्स जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा और आपको पास करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका रूल है आप लोग को पता होंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सिग्नेचर अपना गार्जियन से करवा लेना है, और यहाँ पर स्टूडेंट का करना है हिंदी में, उसके बाद जो यहाँ पर स्टूडेंट का इंग्लिश में करना है, उसके बाद इस बॉक्स में प्रिंसिपल से करवा कर अपना जमा कर देना है आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं आप लोग की बता देता हूँ आप लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से और कैसे जो है मैट्रिक इंटर का डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है biharboardonline.com लिखकर जो आप लोगों की सर्च कर देना है। अगर आप जो है मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर जो आप लोगों की क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक
करेंगे, आपके पास जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद जो है आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने का जो है यहाँ पर लिंक आ जाएगा आपको। जैसे में यहाँ पर आप लोगों की थ्री पट्टी दिख रहा है, इस पर जो आप लोगों की क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन परमिशन पर जो आप लोगों की क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है एग्जाम ईयर 2023। अगर जो आप लोग 22 का डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनके लिए जो यहाँ पर व्यू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर्म जो इस पर क्लिक करेंगे, और जो 2023 में मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देंगे वे जो है यहाँ से इस पर क्लिक करके जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते 2022 से 2023 से इस प्रकार से जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनके लिए जो यहाँ पर देख सकते 2021 से 2022 है। उसके बाद जो है अगर आप इंटर के छात्र एवं छात्राओं है तो आप लोग की कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर जो है आप लोग को क्लिक करना है स्कूल कॉलेज पर। उसके बाद जो है आपके पास जो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो बताया जा रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020-22, यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राओं ने 2022 में बोर्ड परीक्षा देंगे इंटर का उनके लिए जो यहाँ पर दिया गया है। अनेट का डाउनलोड करना चाहते थे इस पर क्लिक करना है, साइंस का इस पर क्लिक करना है, और वोकेशनल कोर्स के लिए इस पर क्लिक करना है, और अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये जो है डाउनलोड हो गया है, जैसे आप लोग इसमें आएंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं BSEB नोटिफिकेशन में जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं 2020 से 2022 यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022। तो इस प्रकार से जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।